दर्शका मंडली, इट्स केदार हियर। वेलकम टू टुडेज व्लॉग। तो आज हम लोग बात करने वाले पबजी के बारे में। मेरा नाम मधुमिता सेन गुप्ता है। मेरा बेटा कक्षा 9वीं का छात्र है। महोदय, पहले मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, टीचर्स अप्रिशिएट करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, जिसके कारण उसके पढ़ाई पर फर्क पड़ रहा है। मैंने उससे बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है मैं असफल हूँ। ये पबजी वाला है क्या? तो पबजी हो चुका है बैन। यस, फाइनली पबजी बैन हो चुका है। गोभी पराठा, आलू पराठा, प्याज पराठा, पनीर पराठा, हरा भरा पराठा, चाइनीज पराठा, मूली पराठा, चिकन टिक्का, मलाई टिक्का, तंदूरी टिक्का, अफगानी चाप, सोया चाप, बेटा चाप, सड़क चाप, छोटे चाना टेबल पे कपड़ा मार। और बोलो, मटन चाप, मटन कीमा, मटन स्टू, मटन कोरमा, मटन भरा, चिकन भरा, बहुत भरा भरा रोल भी है, चिकन टिक्का रोल, अचार टिक्का रोल, पनीर टिक्का रोल, छोटे 6 नंबर पे कपड़ा मारो, कच्चा बिल फाड़ के दे। आधे लोगों को खुशी हो रही है, आधे लोगों को दुख हो रहा है, और सबसे ज्यादा खुशी हो रही है इंडियन पेरेंट्स को। तो इट्स लाइक बड़ा ही मंगल अवसर है, बड़ा ही मंगल अवसर। तो आप लोगों को सिचुएशन पता है कि और कौन से डिफरेंट ऐप बैन हो चुके हैं, बट सबसे बड़ा ऐप तो था पबजी, जो बैन हो चुका है। तो मैं आप लोगों को मीम थ्रू दिखाता हूँ कि सिचुएशन क्या है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था रसोड़े में कौन था वाली वीडियो में, उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, इसीलिए मैंने सोचा कि ये वाला भी वीडियो में बना ही डालता हूँ। सबसे पहले आप इंडियन पेरेंट्स का रिएक्शन देख लो कि वो लोग किस तरह से खुश हुए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इंडियन पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा खुश है। इवन मेरे पेरेंट्स भी बोल रहे थे कि पबजी बैन हो गया। और आई वॉज लाइक, हो गया तो हो गया, अभी कर क्या सकते हैं, वापस थोड़ी ला सकते। आ गया वापस तो अच्छी बात है, नहीं आया तो चलो भी और कौन सा गेम खेल लेते। वो बोलते हैं ना कि हर सलमान खान के लिए एक विवेक ओबेरॉय होता है। तो अभी हम मार्क जुकरबर्ग भैया से ही रिक्वेस्ट कर सकते कि जैसे टिकटॉक के रिप्लेसमेंट में उन लोगों ने रील्स लाया, वैसे ही पबजी के रिप्लेसमेंट में कोई तो एक लाइट वर्जन वाला पबजी ला दो भाई, ला दो। मार्क जुकरबर्ग भैया, सुन लो हमारी बात, हमको भी एक छोटा सा पबजी का वर्जन ला लो इंस्टाग्राम में। अगर गवर्नमेंट ने इंस्टाग्राम ही बैन कर दिया तो क्या होगा, सोचो। तो अभी इंडिया में करंट सिचुएशन ये है। आप लोगों को एक्चुअली करंट सिचुएशन पता ही है कि बैन क्यों हुआ। तो लोग ऐसे कुछ तो फनी चीज बना रहे कि मोदी जी के जो मन की बात वाला वीडियो था उसको 1 मिलियन प्लस डिसलाइक आया, तो मोदी जी गुस्से में आकर पबजी को बैन कर दिया अपना गुस्सा निकालने के लिए। मतलब कुछ भी, बट सुनने में बहुत ही ज्यादा फनी लगता है। उस पे भी एक मीम आया था, ये देखो। क्या सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की लोकप्रियता घट रही है? मन की बात कार्यक्रम पर डिसलाइक क्यों बढ़ रहे हैं? 7,11,000 से ज्यादा लोग इसे डिसलाइक कर चुके हैं। ये संकेत अच्छे नहीं। कैसे हुआ, कैसे हुआ, इतना सारा डिसलाइक कैसे हुआ? कैसे हुआ, मन की बात सड़क तू कैसे हुआ? नहीं 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 नहीं, मैं इस अन्याय को सहूंगा नहीं, मैं नहीं सहूंगा। तो जब टिकटॉक बैन हुआ था तो हर तरफ बहुत ज्यादा खुशियां ही खुशियां थी। तब पबजी वालों ने, दूसरे भी लोगों ने बहुत ही खतरनाक वाले रिएक्शन दिए थे। तो आज
टिकटॉक वालों ने बोला कि तुम लोग हमारा गम समझ सकते हो। फ्लैशबैक और टिकटॉक वाले भी खुशी से पागल हो गए क्योंकि पबजी बैन हो चुका है। और सबसे ज़्यादा खुशी तो फ्री फायर और कॉल ऑफ ड्यूटी वाले लोगों को हुई क्योंकि वो हार्डकोर फैन है फ्री फायर के और कॉल ऑफ ड्यूटी के। तो वो लोग बोल रहे हैं कि पबजी बैन हुआ इसीलिए अभी फ्री फायर और कॉल ऑफ ड्यूटी सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खेलेंगे। तो ऑफकोर्स लोग तो जाके खेलेंगे क्योंकि लोगों को खुद को एंटरटेन करना है, लॉकडाउन का सही इस्तेमाल करना है अपने टाइम का। तो अभी मैंने भी डाउनलोड कर ही लिया है, चलो कर ही देता हूँ बोला। तो अभी जब भी पबजी बैन हो जाएगा, अभी भी चल रहा है तो वो वाला गेम खेलना चालू कर देंगे। बिकॉज पबजी बैन हुआ तो लूडो भी लाइक अपन अभी जिंदा है, अभी हम जिंदा है। तो जितने भी पबजी प्लेयर्स है उन लोगों की सिचुएशन देखो आप। गुलशन भी अब तो वीराना लगता है, हर अपना हमको बेगाना लगता है, हम तेरी यादों में खोए रहते हैं, लोग हमें पागल दीवाना कहते। सोच तो एक ही बात का है श्रीमंत, आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया। इंडिया में जितने बहुत सारे मॉर्टल रहने दो, डायनामो, कैरी मिनाटी, स्काउट, इतने बड़े बड़े जो यूट्यूब स्ट्रीमर है जो गेम खेलते, तो उन लोगों ने अपने इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया है पबजी गेम के थ्रू, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट पबजी बैन हुआ थोड़ा सा बुरा लगता है, बट गवर्नमेंट का डिसीजन है तो उनके साथ ही चलना पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं। तो चलो फॉर द लास्ट टाइम एक फ्लैशबैक देख ही लेते हैं। तुसी जा रहे हो तुसी ना जाओ, बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहां गया उसे ढूंढो, तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो, हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो, कहां से आया था वो। तो अभी कॉल ऑफ ड्यूटी जो है उसको अभी सड़क से उठाकर स्टार बना देंगे लोग। वही सिचुएशन आ गई है। तो बस आज के लिए इतना ही, अगर ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ ये वाला वीडियो शेयर कर दो। तो मिलते हैं ऐसी कुछ फन व्लॉग में, तब तक के लिए शबा खैर, बाय बाय।